आज मैं आपसे कोविड जर्नी शेयर करने वाली हूँ। एक पीसीएस ऑफिसर होने के नाते मेरी ये ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि मैं ये वीडियो सोशल वेलफेयर में बनाऊँ। तो अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि ये कौन सा समय चल रहा है, तो आप कहेंगे कोरोना का समय चल रहा है। भाई, पैंडेमिक का समय चल रहा है। लेकिन नहीं, ये पैंडेमिक का नहीं समय चल रहा है, ये इन्फोडेमिक का समय चल रहा है। अब आप कहेंगे ये क्या होता है। देखिए, इन्फोडेमिक वो समय है जहाँ पे दिमाग पे ज़्यादा असर है, साइकोलॉजिकली हमें ज़्यादा फर्क पड़ा है। और ये इसमें मैं भी शामिल हूँ, हर एक इंसान शामिल है। मैंने बोला कि ज़्यादातर पब्लिक 90+ या 95% जहाँ पे एक लेमेन से लेकर एक्सपर्ट तक के लोग शामिल हैं, एक ही ढर्रे पे चलते हैं, एक ही रास्ते पे चलते हैं। मतलब कि सही और गलत, सच और झूठ, काले और सफेद के बीच का डिफरेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। ऐसा क्यों होता है, ये सब आप जानते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आगे की बात करती हूँ। तो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें करना ये चाहिए, देखिए, सेफ्टी के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेता है। आप सेफ्टी के लिए चीजों को समझिए कि आखिर क्या है वायरस, क्या है टेस्ट, ऐसा क्यों होता है। साइंस के स्टूडेंट शायद ये बात पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी हर इंसान ये बात नहीं जानता है। और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी ये सारी चीज़ें देखी हैं और इससे रिकवरी हुआ है, अभी भी होम आइसोलेशन चल रहा है। जल्दी से जल्दी वीडियो इसलिए मैं बना रही हूँ समय निकाल के, इससे लोगों को बेनिफिट हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वायरस क्या है, सब आप जानते हैं। लेकिन वायरस हाथ पे लगे या स्किन पे, पैरों पे, कहीं पे भी लगे, सर पे भी लगे, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके दो जगह एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, इसलिए मास्क को ऐसे लगाना है, यहाँ तक लगाना है, जिससे यहाँ भी हो तो ये वायरस ट्रैग होके नीचे तक ना आ सके। डबल मास्क लगाइए, अंदर तक के नहीं जाएगा, आएगा तो ऊपर ही चिपकेगा। जब भी उतारिए सैनिटाइज कर लीजिए, पहली चीज। लोग सब्जी भी है, फर्श है, ये सब साफ करने पे लगे हुए हैं। इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन दोनों चीज़ों को आपको कवर करके रखना है। बाद में होता क्या है, वे वायरस डेड होता है। वायरस की अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती है, वो आपके शरीर को ही अपना बनाता है। उसको एक जीवित सेल की ज़रूरत होती है, उसको एक जीवन की ज़रूरत होती है। जब उसे मिल जाता है तब वो अपना असली काम करना स्टार्ट करता है, तब वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता है। और 2 से 3 दिन तक तो कुछ आपको पता नहीं चलने वाला, कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, टेस्ट नेगेटिव आएंगे, लक्षण आपको सारे पता हैं। सर दर्द, आँख दर्द, बुखार, ठंडा लगना, वॉमिटिंग होना, लूज मोशन होना, चक्कर आना, और नहीं भी है तो भी हो रहा है। तो लक्षण की तो बात ही नहीं करनी। करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आज कल टेस्ट करा रहे हैं RCT। RCT क्या है भाई, RCT से पहले आपने वायरस को जान लिया कि वायरस क्या है। देखिए, अब वायरस मान लीजिए आपके नोज के या माउथ के थ्रू अंदर चला गया, एक है, एक अपने आप को मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेता है। तो हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जिसको जो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रखता है, जो हमारे शरीर को ताकत देता है, जो हमारी बॉडी को मोटिवेटेड रखता है, जो संक्रमण से लड़ता है, जो बाह्य आक्रमण से अपने हमको बचाता है, हमारे जो सैनिक होते हैं शरीर के, वो कौन है? WBC नाम सुना होगा आपने, वाइट ब्लड सेल, जिसमें क्या होता है, लिकोसाइड, लिम्फोसाइड, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या होता है, जब आप टेस्ट कराते हैं WBC से लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ दिखता है, अगर ये 40 के ऊपर है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है। ज़रूरी नहीं कि वो कोविड का हो, लेकिन चूंकि इन्फोडेमिक है तो आप समझ रहे हैं। तो क्या करता है, जब ये वायरस 5 हो जाता है, 1 से 5, WBC को पता चल जाता है कि वाह आक्रमण हो गया है, चलो भैया सैनिकों अपनी बंदूक स्टार्ट कर लो और लड़ना है। कोरोना कहता है, अरे ये हमसे मजबूत है, इनका तो शरीर, मुझे और मजबूत बनना पड़ेगा। कौन कहता है, COVID-19 का वायरस कहता है। तो अपने 5 को फिर से 5 25 कर लेता है। WBC उधर कम नहीं है, वो कम कैसे होता है देखिए, समझिए, पहले तो इसकी मजबूती समझिए। उधर WBC कहता है, कोई बात नहीं, तुमसे ज़्यादा ताकत मेरे पास है भाई, चलो हम भी अपने सैनिक बढ़ा लेते हैं। चलो उन्होंने भी 25 कर दिया, फाइट शुरू हो गई। 3 दिन निकल गए, 3 दिन के बाद थोड़ा बहुत वायरस का इफेक्ट ज़्यादा बढ़ने लगता है। यहाँ पे बात मेन है,
इंसान को पता चल जाता है कि मुझे फीवर है, मुझे खांसी आ रही है, कोई भी सिम्टम्स, हाय मुझे कहीं कोविड तो नहीं हो गया है। जहां आपने इतना सोचा, जो आपके सैनिक है आपके वीक हो जाएंगे, उनको लगेगा कि अरे ये जो न्यूज़ है ये बाहर कैसे चलेगी, वो भी स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो स्ट्रेस से ये चीज़ें डाउन हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा, 4% तक के तुरंत डाउन हो जाती हैं। जो संक्रमण का जो बचाते हैं, सारी चीज़ों में एक साथ कम होना स्टार्ट होता है। अच्छा, तो ये अगर मान लीजिए नहीं पता चलता है या हम इसका दिमाग पे असर अपने ना लाएंगे हमें कोविड है तो क्या हो रहा है? बिल्कुल असर अगर आपको नहीं हो रहा है और आपको पता है, फिर तब क्या होता है? कोई असर नहीं पड़ता है। कैसे, मैं बताती हूँ। जो भी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ वो WHO से लेके ICMR रिपोर्ट पर आधारित है। मेरा अपना इसमें कोई व्यू नहीं है, मैंने जो स्टडी की है उसके बिहार पे मुझे ये सारी चीज़ें पता हैं। क्योंकि जब से कोरोना इंडिया में आया है तब से पैन ही नज़र हम लोगों ने इसलिए बनाए रखा था कि हमारा UPSC का इंटरव्यू था, तो चीज़ें पता हैं। तो आप समझिए कि अगर आपको असर नहीं होता है तो WBC फिर क्या कहता है, कोई बात नहीं है, बढ़ा दो सैनिक बढ़ा दिया, 25x5 125 हो गए। अब कोरोना देख रहा है, वायरस कह रहा है भैया यहाँ तो लग रहा है जान पहचान दोस्ती से ही होगी, दुश्मनी से करेंगे तो इनके पास सैनिक बहुत हैं। और इनका भंडार कहाँ है? CRP टेस्ट होता है ना, CRP भंडार है, वो क्या करता है, चैन रिएक्टिव प्रोटीन, वहाँ से भंडार स्टार्ट करता है और अपने प्रतिरक्षा प्रणाली को मैसेज देते हैं और वो चैन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए CRP बढ़ाता है, इसीलिए WBC में आपका लिम्फोसाइट बढ़ा दिखाता है, क्योंकि ये लोग एक्टिव हो चुके हैं इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। अब CRP का क्या टेस्ट क्यों होता है ये आप समझ गए, CBC का क्यों होता है ये आप समझ गए, अब D-dimer का टेस्ट क्यों होता है, यही सब टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो D-dimer में अगर आपका एक से नीचे है तो सीवियरिटी नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, इन्फेक्शन है, इस वजह से ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटरलिंक्ड हैं। खून गाढ़ा तो नहीं हो रहा है, बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, बॉडी में कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, इनको देखकर ये D-dimer टेस्ट बताता है कि हाँ ऐसा कुछ है, तो वो एक से ऊपर ज़्यादा बढ़ा दिखाता है, लेकिन एक से नीचे है तो इन्फेक्शन है, आपको केयर करने की ज़रूरत है। तो ये तो हो गए इनकी मतलब, ये सारी चीज़ें क्यों मतलब हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रतिरक्षा प्रणाली के भंडार हैं, सैनिकों का क्या गोला बारूद जो भी आप समझ लीजिए बंदूक प्रोवाइड करा रहे हैं लड़ने के लिए। हमने रिपोर्ट देख ली और हमने समझ लिया कि अरे हमारे लिम्फोसाइट बढ़ गए, अब हम तो सीरियस हो रहे हैं, अरे हमारा CRP बढ़ गया, बढ़ रहा है। चीज़ें समझिए, हमारे शरीर के अंदर इतनी क्षमता है कि वो 80% बीमारी ऑटोमेटिक ठीक करता है, बाकी 20% आपके दिमाग का खेल है। देखिए ये तो ना तो सर्जरी का केस है, ना ही कोई ओपन चीरफाड़ हो रहा है, ना ओपन हार्ट सर्जरी है, ना ही ट्रांसप्लांटेशन का काम है कि ट्रांसप्लांट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। WHO की रिपोर्ट जो डॉक्टर बैठे हैं वहाँ से लेके एक से एक बड़े डॉक्टर, कोई ये नहीं कह सकता कि आई एम अ कोविड एक्सपर्ट, मैंने MBBS इसमें किया है, DM MD जो भी डिग्रियाँ की है, इवन BA भी कोई नहीं है। तो क्या वो ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, अनुभव के आधार पर कर रहे हैं। उनको पता है कि ये भी एक वायरल की तरह है, एंटीवायरल मेडिसिन दे रहे हैं। फेविफ्लो, जो फेविपिरावीर के नाम से आप लोग जान रहे हैं, जब ये आई थी मार्केट में इसके बारे में बहुत सारे रिमर्स हो रहे थे, मैंने उस समय स्टेटस लगाया था, लेकिन देखिए इतना देखता कौन है सोचता कौन है, हमने चीज़ें पढ़ी हैं तो हमें पता होता है, लेकिन आप लोग जानिए एक छोटी सी चीज़ है, आप लोग देख के वायरल कर देते हैं, ये सारी पब्लिक वायरल कर रहे हैं, रसोड़े में कौन था ये वो UPSC मेंस के लिए पता नहीं क्या क्या, लेकिन इन्फोडेमिक में इलाज रिपोर्ट का किया जाता है, जबकि एक्चुअल में इलाज मरीज का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर RCT की वजह से लोग प्रॉब्लम में आ जा रहे हैं कि, तो RCT है क्या? सबसे पहले तो आप RCT को समझने की कोशिश कीजिए कि RCT क्या है। ये हमारा लंग है, ये लेफ्ट अपर लोब है, ये लेफ्ट लोअर लोब है, और इधर राइट अपर लोब है, राइट मिडिल लोब और राइट लोअर लोब, इधर 3 है इधर 2 है। इस हिसाब से इसके जो पॉइंट्स होते हैं ये एक एक का 5 है, तो 5x5 25 ये हो गया CT स्कैन में जो फुल मार्क होते हैं। इसमें क्या मतलब है? इसमें देखिए 0 का मतलब है कि नो इन्फेक्शन, 5 का मतलब है सीवियर इन्फेक्शन,
अब जो हमें मार्क्स मिले हैं, जो हमें पॉइंट मिले हैं, वो हम कैसे जाने? देखिए, 0 से 8 माइल्ड है, किसी को भी हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन के केस में। 8 से 15 है तो मॉडरेट है, 15 से 20 है अगर स्कोर तो फिर ये सीवियर इन्फेक्शन है। लेकिन इसके बेस पे एडमिट नहीं होना है। इसके अलावा आपको देखना है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, ठीक है, आपकी रिपोर्ट क्या बता रही है, CRP, CBC या डी डायमंड टेस्ट कुछ ज़्यादा तो नहीं है, 1 से ज़्यादा तो नहीं है, CRP तो ज़्यादा नहीं हो गया है, या आपका स्ट्रेस लेवल। ये सारी चीज़ें देखने के बाद सीवियरिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, कोरेट्स क्या होते हैं? देखिए, कोरेट्स के बारे में आप समझिए कि कोरेट क्या है। 1 का मतलब होता है कि नो इन्फेक्शन, 2 का मतलब होता है लो इन्फेक्शन है लेकिन कोविड नहीं है, मॉडरेट में भी यही सिचुएशन है, 4 में एबनॉर्मेलिटीज तो हैं लेकिन ये कह पाना मुश्किल है कि कोविड-19 है, 5 में कोविड-19 हो सकता है कि कोविड-19 के सिम्टम्स शो हो रहे हैं, लेकिन 6 में कंफर्म कर दिया जाता है कि हाँ कोविड-19 है। तो ये कोरेट्स का मतलब है। तो आपने देख लिया कि RCT में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें अपने आप को सीवियर समझ लेना चाहिए। तो किसी भी केस में आप अपने आप को सीवियर नहीं समझ सकते, चाहे आपका 10 से 15 हो या 15 से ऊपर हो, क्योंकि इसके अलावा भी रिपोर्ट्स देखनी पड़ती हैं, आपका स्ट्रेस लेवल देखना पड़ता है, आपका खान पान देखना पड़ता है, और आप कितना मेंटली अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन में बनाए रखा है, ये भी बहुत ज़रूरी। और बहुत सबसे पहले तो काम यही करता है, आपने WBC कहानी सारी समझ ली है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन का क्या चल रहा है, क्या किसी ने, कितने लोगों ने अपना ऑक्सीजन लेवल पहले कभी, जब ट्रांजिशन टाइम चल रहा है, जब सीजन वेरिएशन हो रहा है, तब कितने लोगों ने चेक किया है, जैसे कि मार्च से अप्रैल और उधर सितंबर से अक्टूबर। ध्यान दीजिए कि न्यूज़ जब आती है, जब सीजन चेंज हो रहा होता है सितंबर अक्टूबर में, तभी मीडिया वाले कहना स्टार्ट कर देते हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हर लोग हाँफ रहे हैं, मॉर्निंग में वॉक करने ना जाएं, बूढ़े लोग भी, ओल्ड एज के लोग तो बिल्कुल ना जाएं, ऑक्सीजन घट रहा है। क्यों कह रहे हैं भाई, क्यों कह रहे हैं? क्या तब किसी ने ऑक्सीजन चेक किया? दिल्ली में क्या आपको पता है कि कितना पॉल्यूशन है? CO2 लेवल की वजह से ऑक्सीजन कम होता जा रहा है, पॉल्यूशन की वजह से ऑक्सीजन कम होता जा रहा है। नॉर्मली किसी का ऑक्सीजन कितना कम है? लगातार मास्क लगाए हैं, क्या फ्रेश ऑक्सीजन जा रही है? शायद किसी ने नहीं चेक किया, इसी समय सब लोग अपना अपना चेक कर रहे हैं। मैं अपनी बात करूं कि मेरे हस्बैंड का 88 ऑक्सीजन हो गया था और RCT में मॉडरेट से सीवियर के बीच में था। जब मैंने टेस्ट कराया था तो उस समय इतनी कंडीशन ख़राब नहीं थी, उस समय स्कोर 10 था। उसके 2 से 3 दिन तक सिचुएशन, जब मैंने ब्लड टेस्ट के लिए हम गए हैं उस दिन तक की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। शायद उस समय हम RCT कराते तो पॉइंट ज़्यादा आते, ये बात मुझे पता थी। अब एक बिल्कुल रियल आपको अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब मैं पैथोलॉजी गई टेस्ट कराने के लिए, तो सिर्फ दो मिनट के अंदर 2 बार सिर्फ ब्लड लेने के लिए, वो जो भी थी वहाँ पे ब्लड लेने वाले सैंपल, उनको पता ही था ये क्या टेस्ट है, तो उसके लिए थोड़ा सा 2 बार राउंड लगा के जाना पड़ा। सिर्फ उतने में थोड़ा सा बोल दिया, ज़्यादा बात ऐसी हो गई थी कि बदतमीजी करी थी, खैर उतनी में इतनी प्रॉब्लम हो गई कि बैठना मुश्किल हो गया, चक्कर लगातार आ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत है, पानी की तुरंत ज़रूरत है, पकड़ने की ज़रूरत है, सिर्फ 2 मिनट में। अभी मैंने कल एक वायरल वीडियो देखा जिसमें BSF जवान अपनी बीबी को लेकर हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, जगह नहीं मिल रही है उसे, धूप में अपनी वाइफ को 8 घंटे तक ले जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ होगा? मैं सिर्फ 2 मिनट की बात बता रही हूँ, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितने वायरल वीडियोज़ आए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल से हमें निकाल लो, हम यहाँ नहीं जी पाएंगे, कोई केयर नहीं है, इवन हमें ऑक्सीजन चेक नहीं किया जा रहा है, खाना तो बहुत दूर की बात है, कोई है ही नहीं। तो कहने का मतलब सब ट्रीटमेंट हो रहा है, अनुभव के आधार पे हो रहा है, हमें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को ये मान के रखना है कि ये एक सिंपल इन्फेक्शन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये वायरस 5 से लेकर 90 दिन तक अपने पीक पर रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिक इसका इनक्यूबेशन पीरियड ख़त्म होने वाला होता है।
लोग इतने में ही इसी 3-4 दिन में इतने हाइपर हो जाते हैं कि वो चीजें और खराब कर लेते हैं। ऑक्सीजन कम होने के कई कारण हैं, जैसे कि ओबेसिटी है, आपने कभी एक्सरसाइज किया ही नहीं है, फैट सेल्स ज़्यादा हैं, या बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, या अस्थमेटिक हैं, या पहले से कुछ ऐसी क्रॉनिक डिसीज़ है, पल्मोनरी में प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है इसकी वजह से उठ गिर सकता है। तो क्या करें, प्रोनिंग पोजीशन में बैठिए। प्रोनिंग क्या है, पेट के बल, पेट के नीचे 2 पिलो रख के आपको 10 से 15 मिनट लेटना है और फ्रेश एयर लेनी है। हो सके तो एयर प्यूरिफायर रूम में लगाएं, और नहीं तो ऐसी जगह जाइए जहाँ पे फ्रेश ऑक्सीजन मिल सकता है। पानी लगातार क्यों पीना है, क्योंकि इसमें मैंने आपको पहले बताया WBC हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कैसे मजबूत होती है। जितना विटामिन्स खाएंगे, जितना हेल्दी फूड खाएंगे और जितने आप खुश रहेंगे, टेंशन में नहीं रहेंगे, उतनी मजबूत रहेगी। तो हमें यहाँ पे पानी पीने की ज़्यादा आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हम नॉर्मली पानी पीते हैं, हम विटामिन सी या कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं या विटामिन नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस समय हम ले रहे हैं। तो जो बी और सी, विटामिन बी और सी है, ये पानी में एब्जॉर्ब होता है, बाकी फैट में एब्जॉर्ब होता है, जैसे डी है, ई है, के है। तो फैट तो हमारे शरीर में रहता है अच्छा खासा, तो उसमें होता है, लेकिन पानी की हमें कमी हो जाती है। तो हमें पानी 2 लीटर से ज़्यादा पीना है, उसके अलावा आपको लिक्विड डाइट लेनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सिर्फ केयर ही एकमात्र इसका रास्ता है। आप, मैंने तो सोच लिया था कि अगर 85 तक भी आया तो भी हमें एडमिट नहीं कराना है। कोरोना की कोई ऐसी मेडिसिन बनी ही नहीं है कि जो मृत्यु दर को घटा सके। WHO की रिपोर्ट है भाई, रेमडेसिविर के बारे में उन्होंने ऐसा बोला था। हाँ, वो थोड़ी सी रिकवरी जरूर कर सकती है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। वो नेचुरल सिस्टम को, हमारे इस वाले जो मैंने आपको अभी बताया है, उस सिस्टम को जरूर थोड़ी देर के लिए बढ़ा देती है। लेकिन यहाँ पे WBC भी कंफ्यूज हो जाता है, प्रतीक्षा प्रणाली। कितने लोग ऐसे हैं रेमडेसिविर और सही हो गए इंजेक्शन, उसके बाद घर जाके सिचुएशन खराब हो चुकी है और कुछ गलती हो गया है। आप लोगों को परेशान नहीं होना है। अब टेस्ट में क्या होता है, लीवर LFT कराते हैं तो उसमें SGPT SGOT बढ़ा हुआ दिखाता है, उस पे लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों ऐसा है भाई, SGPT क्यों बढ़ जाता है, आप पता लगाइए। दुनिया की हर चीज़ आप गूगल कर सकते हैं, नेट पे देख सकते हैं, क्या चीज़ें जरूरी चीज़ें हैं वो नहीं देख सकते। SGPT SGOT बढ़ने के कारण क्या है, कहीं ना कहीं आप में विटामिन डी की कमी या बाकी एंटी ऑक्सीडेंट फूड, एंटी इन्फ्लामेटरी फूड की कमी हो रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। विटामिन डी की बात अगर हम करें तो अगर आप 15 मिनट की धूप लीजिए, नहीं गर्मी में, ठंडक में, तो इतना लीवर हमारा स्ट्रांग है, संचित कर लेता है। लेकिन बैठता कौन है, ऑन एन एवरेज 15 मिनट आप बैठ पाते हैं, नहीं बैठते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ना बैठिए, थोड़ा बहुत जाइए धूप में, विटामिन डी लीजिए, वो नहीं लेना है, फ्रेश ऑक्सीजन नहीं लेना है, एसी में रहना है। आप अभी अपना ही ऑक्सीजन अगर आपका कम है, ये सारी चीज़ें करके देखिए, ऑक्सीजन में रहिए, एंटी ऑक्सीडेंट फूड खाइए, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाइए, चुकंदर, पालक और टमाटर और ग्रीन वेजिटेबल का सूप बना के पीजिए। हम मानते हैं कि पेशेंट की हालत इतनी ख़राब होती है कि वो कुछ खा पी नहीं पाता, आपको तो यही यही चीज़ करनी है, आपका टैलेंट यहीं पर देखना है। 2-3 चुकंदर ले लीजिए, बॉयल कर लीजिए उसको, इस तरह इतना कम बॉयल करिए कि उसको कपड़े में, जो कि चुन्नी वाले जॉर्जेट जो छान के इतना निकाल दीजिए, उसका जूस भी बिल्कुल भूसा बचे उसको फेंक दीजिए। पेशेंट को बताइए बस इतना पीना है, बस इतना, बस बस इतना पीना है, ऐसे करना है। तो मैं आपको बात करती हूँ कि कैसे ठीक करें। यहाँ पे जो मैंने किया, सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है, और ये संभाल के रखिए कि 85 पर भी अगर ओटू जाता है, मैंने RCT की चीज़ें बता दी आपको, लिम्फोसाइट भी बढ़ा हुआ था, मैंने चीज़ें कुल मिला के आप समझिए मॉडरेट और सीवियर के बीच में कंडीशन थी, सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि शायद अगर मजबूती से हम ना समझे होते इस चीज़ को तो फिर कोई भी डिसीजन लेता चाहिए एडमिट करा दिया जाए। लेकिन मुझे पता था कि 9 डे तक के ये वायरस कुछ ज़्यादा पीक पे होता है और हमें यहाँ पे केयर करनी है, वो लगातार मोटिवेशन के थ्रू, जिसमें पूरे परिवार ने और भैया लोगों ने, भास्कर भैया हैं उन्होंने, घर में सभी लोगों ने लगातार मोटिवेशन बनाए रखा। जब भी उनको लगता था कि अरे 90 है 89 है, अरे कुछ नहीं मेरा भी तो है 94, यहाँ पे तो फ्रेश ऑक्सीजन मिलती ही नहीं है, चलिए बाहर भी देखिए, अच्छा ठीक है ऐसे होइए, तो सोचने से देखिए देखिए स्ट्रेस से होता है, ये वाली रिपोर्ट देखिए, ये सब चीज़ें करके मोटिवेशन देते रहना है। और पेशेंट को कहीं ऐसा फील नहीं होने देना है कि हाँ कोई भी कंडीशन ऐसी चीज़ है जो गड़बड़ है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इतना नहीं, हाँ ठीक है, इस तरीके से कि नॉर्मल कंडीशन लगे, ये करना है। दूसरी बात,
कहने वाले कहेंगे योगा करिए, प्राणायाम करिए, अनुविलंब करिए, अरे कंडीशन ही ऐसी नहीं है भाई, तरलुज मोशन आ रहा है, खांसी इतनी ज्यादा है कि बोलने में दिक्कत है, सांस फूल रही है, जो इंसान पलट नहीं पा रहा है वो ये सब कैसे कर सकता है भाई, 10 सेकंड सांस नहीं रोक पा रहा है तो ये सब कैसे कर सकता है। तो क्या करें, क्या करें, आपको यही तो दिमाग लगाना है, पेट के बल लेटा दीजिए, थोड़ा बहुत कोशिश करिए, अजवाइन, कपूर, यूकेलिप्टिस का अगर तेल नहीं है कोई बात नहीं, लौंग डाल दीजिए उसको लगातार, खुशबू से उसकी वाकई ये सब चीज़ें वर्क करती हैं जो मैंने किया है, ये दीजिए। लहसुन, अदरक, काली मिर्च, लौंग को पेस्ट बना के उसमें आप लगातार शहद डाल दीजिए, और गीला रखने के लिए गले को शहद, नेचुरल हनी पीते रहिए, ऑर्गेनिक हनी, 5 मिनट में 10 मिनट में, ये सब तो करते रहिए, बाकी चीज़ें आप जानते हैं, स्टीम करा रहे, ये सब हर आदमी बता रहा है, नहीं कर पा रहे हैं 15 मिनट तो कोई बात नहीं है, 2 मिनट कर पा रहे हैं 2 ही मिनट करिए, इतनी कैपेसिटी नहीं है शरीर में, ताकत नहीं है कि आप इतना कर पाइए, लेकिन धीरे धीरे 2 से 3 दिन के बाद कैपेसिटी भी आ जाएगी, लेकिन आप करिए, आधा मिनट करिए, 1 मिनट करिए, करते रहिए। गर्म पानी अजवाइन और लौंग डाल के सिप सिप करके पीजिए, दवा की तरह 2-2 चम्मच, वही नहीं पीना है क्योंकि फिर आप उतना पी नहीं पाएंगे, टेस्ट नहीं आएगा, तो नॉर्मल वाटर भी पीजिए, आप 2 बोतल रखिए, उसको पीना है। इसके बाद इसे भी तुरंत नहीं, थोड़ी थोड़ी 2-2 मिनट पे आपको 2-2 चम्मच पीना है, दवा समझ के ये काम आपको करना है। खाने में क्या देना है, खाने में मन तो बिल्कुल नहीं करेगा, वॉमिट हो जाएगी, लेकिन आपको देते रहना है, लूज मोशन हो रहा है चाहे जो हो रहा है। आप कहते हैं कि नींबू का पानी डाल के पीजिए, सिरका पीजिए, बिल्कुल मत करिए, सबसे खराश और खांसी को बढ़ा देता है। आप टेबलेट ले सकते हैं पर ये चीज़ें मत दीजिए, फ्रूट्स मत दीजिए, जूस मत दीजिए, ठंडी चीज़ें, कच्ची सब्जी मत दीजिए। इन सबको आप क्या कर सकते हैं कि कद्दू में देखिए पोटेशियम होता है, प्याज खाने को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें आयोडीन होता है, ये सारे टेस्ट कराते हैं, सोडियम के, सीरम के, पोटेशियम के, ये सब भी टेस्ट कराते हैं, ये सब। लहसुन, लहसुन देखिए, लहसुन में आप देखिए पता करिए कि कितना फ़ायदेमंद गुण है आपको, क्षारीय चीज़ें जितने सबसे ज़्यादा क्षारीय में क्या है, एवोकाडो है, लहसुन है, अनानास है, ये सब दीजिए आप, ये सब मैंने भी कंटिन्यू दिया है। मॉर्निंग में 2 अंडे बॉयल करके दीजिए, थोड़ी देर बाद हल्दी का दूध दीजिए, गरम दीजिए, खांसी आ रही है चाहे जैसे आ रही है बिल्कुल मत डरिए, दूध में मलाई नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद फिर अगर लग रहा है तो फ्रूट्स में आप अनानास काट काट के दीजिए, थोड़ा सा ऐसा रहे कि ठंडा ना लगे, वो नॉर्मल टेम्परेचर का रहे। 15 मिनट में पे आप कुछ नहीं, चाहे 1 लहसुन खा लें, खाने दीजिए। सबसे पहले तो मॉर्निंग में चने के साथ लहसुन प्याज कट करके देते हैं, दिया मैंने, अंडे दिए, उसके बाद दलिया दे दिया या फ्रूट में कुछ दे दिया, धीरे धीरे करके पानी देते रहे, काढ़ा देते रहे, खाने में लगातार देते रहे। दाल का पहले दाल का पानी निकाल लीजिए, आधा गिलास दे दीजिए पी ले, ठीक है, उसके बाद आप दाल दीजिए। रोटी, रोटी को क्या करना है, पानी में मत सानिए, टमाटर खीरे का रस ले लीजिए, एरोवेरा जेल ले लीजिए, उसमें सान के तब रोटी बनाइए। 1 रोटी की जगह 2 की उनको फ़ायदे मिलेंगे, खाएंगे 1 रोटी 2 के फ़ायदे मिलेंगे, ऐसे करते रहिए आप। सूप तो लगातार देते रहिए आप, जितना दे पाइए, खाए ना खाए, इरिटेशन होता है, पेशेंट बोलेगा, जो आपका मरीज है वो बोलेगा, परेशान होगा, लेकिन आपको कैसे भी करके ये सारी चीज़ें करती रहनी है। यकीन मानिए 3 से 4 दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत जल्दी रिकवरी होगी, क्योंकि हम डायरेक्ट विटामिन दे रहे हैं और हम शरीर को एनर्जी दे रहे हैं, हम अपने सैनिकों को एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे समझिए। और स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं देना है, अरे कोई नहीं, इतना तो नॉर्मल वायरल में भी होता है, वो कोविड इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इन्फेक्शन है, ठीक है, मानते हैं 15 तक के अगर स्कोर आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब रिजॉल्व हो जाएगा, पहले से भी कुछ हो सकता है प्रॉब्लम हो, कभी किस कितने लोगों ने ये चीज़ें पता लगाई होंगी, शायद किसी ने सिटी स्कैन में नहीं कराया होगा। तो ये सब चीज़ें आप करते करते जब आएंगे, पानी पीते रहिए, खाते रहिए, कोई बात नहीं, लूज मोशन हो रहा है, जाते रहिए, वॉमिटिंग हो रही है, करते रहिए, आपको बस टटे रहना है। और जो केयर कर रहा है पेशेंट की, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और, नारियल पानी, मैंने नारियल का पानी 4 से 5 नारियल पर डे में दे रही हूँ लगातार, कभी कभी 6 या 7 भी दे देते हैं, तो ये ज़रूर देते रहिए आप। तो पानी लगभग आप देखेंगे कि ये सारे जितने चीज़ें हैं, सब जूस है, सूप है, चुकंदर का, लौकी, कद्दू, कुछ भी आप बना सकते हैं, इस लगातार जा रहा है, जा रहा है, कितना क्या होगा, वीकनेस है, वीकनेस बहुत आएगी, डरना नहीं है। ये सब ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, जो चीज़ें मैंने बोली है ना, जितनी चीज़ें, चुकंदर हुआ, करेला हुआ, ये CRP को घटाते हैं, कैरेट हुआ, ये सब CRP को घटाते हैं। इसका मतलब कि हमारे जो सैनिक हैं वो कम सैनिक ज़्यादा लड़ाई कर लेंगे,
ज़्यादा सैनिकों की जरूरत नहीं है, ये सब करते रहिए आप। 3 से 4 दिन में आपके पेशेंट की कंडीशन ठीक हो जाएगी, पेट के बल लिटाते रहिए। और एक चीज़ जो नेचुरल है, जो कि मैंने पहले बताई है, तो करना है। इसके अलावा अजवाइन का तेल, बहुत ज़्यादा तेल गर्म धीमे आँच से करके बहुत ज़्यादा, जब तक काला ना हो जाए, अजवाइन, ऑनियन मतलब प्याज, लहसुन, ये सब डाल दीजिए, 2 लौंग डाल दीजिए, ठीक है। जब गर्म हो जाए बहुत अच्छे से तो उसको निकाल लीजिए। अगर थोड़ी बहुत अजवाइन भी आ जाती तो कोई बात नहीं, हल्का सा गर्म, मतलब लगे कि हाथ सह सके, इतना हल्के से गर्म से मालिश कीजिए। कंजेशन ज़्यादा है तो सुबह दोपहर शाम मालिश कीजिए। और आग का पत्ता, जो कि मदार के नाम से जाना जाता है, उसको थोड़ा सा तवे पे गरम करके सीधे साइड पे गरम गरम उसी अजवाइन के साथ लगा के 2 मिनट उसको बांध दीजिए, लगा रहने दीजिए 10 मिनट तक, 2 मिनट तक गरम रहना चाहिए। नाक में कड़वा का तेल, जो सरसों का तेल होता है, उसे हल्का सा, मतलब इतना सहन हो सके, गरम गरम डाल लीजिए, 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, ये करते रहिए। मेडिसिन जो चल रही है वो तो चल ही रही है, उसके अलावा ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इतना आप करिए, बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। मैं इस जर्नी का सेकंड पार्ट मैं बनाती रहूंगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम निकाल के मैंने ये बनाया है, तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। और प्लीज़ इसे आप एटलीस्ट 10 लोगों को आगे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। भले आप 1 महीने के बाद मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ 10 लोगों को कम से कम शेयर करिए, लोगों को नॉलेज हो सके। डरना बिल्कुल नहीं है, अपने आप को बना के रखना है, अपना मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग, मोटिवेशन ही सबसे बड़ा इसका ट्रीटमेंट है। और आप ये बात देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं बताऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं सेकेंड वीडियो में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ 10 लोगों तक आप शेयर करिए। हो सकता है कुछ लोग बहुत पैनिक हो, हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन बहुत लोगों को बहुत कुछ ये भी नहीं पता है। तो प्लीज़ डरिए नहीं, जितनी बातें हैं वो सारी कहीं ना कहीं से अनुभव आधारित है, रिपोर्ट बेस्ड है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।